हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्लैक करंट सूफले। ब्लैक करंट्स को मैंने रात भर ओवरनाइट मिल्क के अंदर फ्रिज में सोक करने रखा था और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये रहा ब्लैक करंट, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड को बीट कर लेंगे। एक बॉक्स फ्रेश क्रीम, एक बॉक्स मिल्क मेड को बीट कर लेंगे। अब आप ब्लैक करंट डाल दीजिए। अब फिर से बीट करेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है। अब एक वेसल लेंगे और जिस दूध में हमने ब्लैक करंट्स को भिगाया है वही दूध ले लेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने रखेंगे। जैसे ही ये लूक वार्म होगा हम उसमें शक्कर और जेलेटिन मिला देंगे। ये थोड़ा सा लूक वार्म हो गया है, इसमें मैंने शक्कर और जेलेटिन डाल दिया है और अब आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि कोई लम्स नहीं रहे। दो से तीन मिनट इसे सही स्टर करते रहना है। दो से तीन मिनट के बाद ये कुछ इस तरह लग रहा है। पूरा मैंने डिसॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, थोड़े से अगर पार्टिकल्स रह गए हैं तो वो हम छान लेंगे। अब आप गैस बंद कर दीजिए और इसे ये मिक्सचर में मिक्स कर दीजिए, मिल्क मेड और फ्रेश क्रीम वाले मिक्सचर में। ये आपको छान के अभी फिर से बीट करना है। ये सूफले को आप सेट करने रखिए। सूफले की खासियत ये होती है कि वो बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट रहता है, लेकिन वो पूरी तरह सेट हो जाता है तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो आपको जिस बोल में इसे सर्व करना हो वो बोल को क्लिंग करके आप रेफ्रिजरेट करने रखेंगे 6 आवर्स के लिए। डिश को मैंने क्लिंग कर दिया है, अब मैं आपको 6 घंटे के बाद मिलूँगी। 6 घंटे हो गए हैं और मेरी डिश पूरी तरह तैयार है। अब मैं इसका क्लीन निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि पूरा सेट हो गया है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये है बोल जिसमें मैंने पूरा सूफले निकाला हुआ है। आप इसका कलर देख सकते हो ऊपर नीचे। आपको चाहिए तो थोड़े और ब्लैक करंट्स ऊपर से सर्व करने के टाइम पे ऐसे डाल के दे सकते हैं। प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।